बिहार की उभरती हुई बेटी रोशनी, जी हाँ, देश में नहीं बल्कि बिहार का भी नाम रोशन किया है, जिसका नाम रोशनी बताया जा रहा है। और ये रोशनी जो है वो रोलर स्केटिंग में अपना नाम स्टार खिलाड़ियों में से एक नाम इसका भी दर्ज हुआ है। वहीं आपको बता दें कि 11 नवंबर को बेंगलोर में होने वाले 60वें नेशनल रोलर स्केटिंग चैम्पियन में सिलेक्शन भी हुआ है, लेकिन बेहद गरीब परिवार से आने की वजह से जो है इसकी सिलेक्शन जो हो तो गई है, लेकिन सिलेक्शन होने के बाद जो है आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जिसकी मदद के लिए तेज प्रताप यादव ने जो है खेल मंत्री से फ़ोन कर पैरवी भी किया है। वहीं खेल मंत्री को पैरवी करते हुए वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने जो है उसे जो है वॉच यानी घड़ी भी गिफ्ट किया है। तेज प्रताप यादव ने डिजिटल जो घड़ी है वो गिफ्ट किया है। तेज प्रताप यादव ने वन एवं पर्यावरण मंत्री जो है उभरती हुई रोलर स्केटिंग स्टार है, खिलाड़ी बिहार की बेटी है रोशनी, जिसका नाम है, जिसकी जानकारी खुद तेज प्रताप यादव ने जो है दी है। क्या कुछ कह रहे हैं तेज प्रताप यादव, वन एवं पर्यावरण मंत्री, पहले वो आप जरा सुने। तेज प्रताप जी, पटना की रहने वाली छोटी सी बच्ची है, नेशनल लेवल पे नाम कमाने जा रही, बहुत ही गरीब घर से आती है। आपने इसे जो खेल मंत्री हैं जितेंद्र जी, उनको कॉल करके बोल देंगे इनको आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि बहुत टैलेंटेड लड़की है। एक दो बार और आई है यहाँ और इसका परफॉर्मेंस हम देखे हैं। जैसा कि इसका भाई है, लोग महेंद्री में रहते हैं जी, पिता इसके नहीं है, मदर हैं जो कि जैसा बता रहे हैं कि दाई का काम करती है। तो बहुत टैलेंटेड लड़की है, अब बिहार का नाम रोशन करेगी, पूरे देश में जाएगी। तो वहीं जो रोशनी है उसके भाई ने भी क्या कुछ कहा है तेज प्रताप यादव से मिलने के बाद, जरा उनके बयान सुने। इनके पिताजी क्या करते थे? पिताजी चाय दुकान खोलते थे। 2011 में पापा डेट कर गए, उसके बाद हम 2017 से अपने दम पर थोड़ा सा पैसा बचत करके स्केटिंग में किए। एक सर थे हम लोग का, सुनील सर जो 2 साल हम लोग को बहुत मदद किए। उसके बाद अंदरजीत सर हम लोग हैं, जो इसको मतलब टैलेंट देख के थोड़ा सा उन्होंने हेल्प करते हैं, तो हेल्प किए तो कुछ लोग। अब हम लोग जितना मेरे से हो सका उतना किए। अब सिलेक्शन में गए थोड़ा सा हम कमजोर पड़ गए, एक विकास भी बहुत हेल्प मेरा किया। तो वहीं तेज प्रताप यादव से मिलने के बाद जो है रोशनी काफ़ी खुश हुई। वहीं आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव ने जो है इसके लिए तेज प्रताप यादव ने खेल मंत्री से भी फ़ोन कर पैरवी किया और उन्होंने मदद करने की बात कही है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि चाय के दुकान में इनके पिता काम करते थे, लेकिन इन पिता की मौत के बाद जो है पूरा परिवार जो है वो टूट चुका है और रोशनी की जो माँ है, खिलाड़ी की माँ, वो दाई की काम करती है और किसी तरह से जीवन यापन करती है। लेकिन जब ये सिलेक्शन हो चुका है तो काफ़ी बिहार का नहीं बल्कि देश का भी नाम रोशन करेगी। ऐसे में प्रोत्साहन के तौर पर तेज प्रताप यादव ने जो है उसे घड़ी गिफ्ट किया है और काफ़ी खुश नज़र आई जो रोशनी खिलाड़ी है, वो काफ़ी बेहद खुश हुई और सरकार से मदद दिलाने की भी बात तेज प्रताप यादव ने कही है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहें दर्ज न्यूज़ के साथ और देखते रहें दर्ज न्यूज़।